हे गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। एंड गाइस, इन दिस वीडियो में आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि इन दिनों देखिए, हम लॉकडाउन में पड़े हैं और ये खतरनाक सा वायरस से हम लड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है जितनी ज़्यादा गर्मी हो सके, जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ सके, वो हमारी प्रायोरिटी है। आज पैसा ज़रूरी नहीं है, आज हमारे शरीर को हम कैसे स्ट्रांग रख रहे हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ कुछ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये काली मिर्च है, ओ ये सॉरी लौंग है, लौंग पीसी हुई लौंग है, ये काली मिर्च है, ये तुलसी पत्ता है, देखिए तुलसी पत्ता है, ठीक है, छोटी छोटी तुलसी है मेरे आंगन में। और उसके बाद में थोड़ी सी एक लौंग को मैंने ऐसे काट, एक एक ये है लहसुन, उसको काट लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक है, और ये तेज पत्ता है। उसके बाद में मेरे पास है एक, ये हमारा देखिए क्या है, रामदेव बाबा जी के द्वारा उत्पादित शहद। तो गैस, अगर आपको चाय पीने का शौक है तो आप चाय में ज़्यादातर शक्कर, कॉफ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें पीते होंगे, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप पीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको छोड़ के, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो आपके शरीर को बेहिसाब इम्यूनिटी मिलती रहेगी। बहुत गर्म होता है ये सारी चीज़ें, बहुत पावरफुल होता है। शक्कर से क्या है, शक्कर खाने, ज़्यादा मीठा खाने से सिर्फ कैंसर ही बढ़ता है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, तो आपको शक्कर वक्कर जैसी जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं आराम से, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको इंजॉय कर सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ और मिला सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ, ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसा बेहतरीन चाय बनती है, मैं तो इसको चाय ही बोलता हूँ, और इसमें बहुत पावर है। मैं काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल करता हूँ, सर्दी जुकाम भी नहीं होता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है, ठंड वगैरह नहीं पकड़ती है। तो वैसे इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल है, इन सब चीज़ों को आप या तो मिक्सी में या तो फिर किसी पत्थर पे पीस लीजिए, ठीक है, और इसको सब मिक्स करके पीस लेंगे आप, इसको छोड़ देना पत्ती को। दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है, इन सबको आप फिर से सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको पीस लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा। अभी देखिए मैंने इन सबको ऐसा बारीक बारीक कर लिया है, थोड़ा क्रश करके, और अब आप इसको एक चाय के बर्तन में लीजिए बढ़िया, और इसमें पानी डालिए आप जितना पी सके, ठीक है, 1 कप 2 कप, और इसको अब आप गैस पे धीमी आंच पे थोड़ा पकने दीजिए। इसमें अब आप ये भी डाल सकते हैं, और ये पत्ती। अब देखिए मैंने इसको गैस पे रख दिया है, ठीक है, सब कुछ डाल के, और इसको थोड़ा आप 10 मिनट पकने दें, उबलने दें, जैसे चाय उबलती है। देखिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा ढक दिया है एक बर्तन से, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये इसको हम देखेंगे। तो जब तक चाय उबल रही है, देखिए मैंने अपने कप को रेडी कर लिया है, मेरा फेवरेट कप, आप भी लीजिए अपना फेवरेट कप, और इसमें थोड़ा शहद डाल लिया है, ठीक है, वेट कर रहे हैं चाय उबलने का। तो देखिए गाइस, चाय बिल्कुल उबल गई है, बिल्कुल चाय जैसा इसमें कलर आया है। अब आप इसको लीजिए और गैस को ऑफ करके बढ़िया अपने कप में जिसमें आपने शहद डाल रखा है इसमें इसको छानिए। और एक चीज़ बता दूं कि इससे नुकसान कुछ नहीं है, इससे डबल फायदा है। डबल फायदा कैसे, जो भी हमने इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ठीक है, इनको आप अभी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हो फिर से, ये फेंकने से भी बच जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें इतना मटेरियल बचा है, तो आप इसको बढ़िया सब्जी में डाल सकते हैं फिर से, तो हुई ना बात दोस्तों। ये आम तो आम गुठली के दाम, घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे जो भी बचा है इसको सब्जी में डालिए और इसको खाइए। तो हमने इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो गाइस अब देखिए आप इसमें एकदम चाय रेडी है गरम गरम। हाँ, अब इसको आप थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसमें, क्योंकि शहद है, मैंने शहद डाला था, तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो वो सब मिल जाएगा उसमें इस तरीके से। अभी तो ये 1/2 कप बनाया है मैंने, आप इसको फुल भी कर सकते हैं, और इसको खाली पेट पीते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें लाइक कब्ज वगैरह जो प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो भी खत्म होती है। तो गाइस बनाइए ऐसा चाय,
एंजॉय कीजिए, हो सके तो शक्कर वाली चाय छोड़ दें, कॉफी वगैरह पीना छोड़ दें और आयुर्वेद पे जाइए। आयुर्वेद हमारा कल भी दोस्त था, आज भी दोस्त है, कल भी दोस्त बना रहेगा। सो एंजॉय करें गाइस, टी, थैंक यू, बाय।